वो डायमंड लेने चाहिए, हम खुद वाइल्ड कार्ड में हैं। ले मोदिया तेरी, वो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। व्हाट द फक। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, प्राइम ईस्पोर्ट्स के एलिगेशन पर काफी सारी टीम्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाई, जिसमें एक टीम गॉडलाइक भी है। इसका रीजन नियो देते हैं और नियो इसका सॉल्यूशन भी देते हैं कि जो पबजी मोबाइल ग्लोबल में यूज होता है, आप देखिए नहीं आती है। प्राइम ने गॉडलाइक को एक मैच में मारी थी और प्राइम ने गॉडलाइक पे एक मैच में पुश किया था समथिंग, और उस वजह से गॉडलाइक का आई गेस पोजी कॉम्प्रोमाइज होके गॉडलाइक फिर कोई चोक पोजी पे जाके फंस चुकी थी। तो अगर वो चीज नहीं होती तो आई गेस मेरे को लगता है कि गॉडलाइक अभी क्वालिफाइड रहती। दो तीन बार मारा तो भाई वही तो भाई ये कहीं से भी फेयर एंड स्क्वायर तो है नहीं भाई। पहली बात तो क्राफ्टन को इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए लिटरली। यार तुम लोग एक काम करा करो कि तुम लोग क्राफ्टन से तो यही रिक्वेस्ट कर सकते कि यार एक ऐप रहता है, तुमको पता है हम लोग जब इंटरनेशनल खेले जाते थे चैट तब एक ऐप आता था, तो वो ऐप में बेसिकली ऐसा रहता है कि वो ऐप में जाके तुम लोग को तुम्हारा लॉग इन डालना है, तुमको लॉग इन करना है वो ऐप में और स्टार्ट बटन था, वो स्टार्ट बटन क्लिक करना है और उसके बाद वो ऐप जैसे स्टार्ट बटन क्लिक होता है तो वो पूरे फोन का मतलब रिकॉर्डिंग बेसिकली रिकॉर्डिंग चालू हो जाता है उसमें, और फिर उसके बाद तुमको जाना है गेम खोलना है सिर्फ और गेम खेलना है, गेम खत्म मैच खत्म, उसके बाद आना है वो ऐप में और ऐप को बंद कर देना है और अपलोड कर देना है, अपलोड का बटन आता है अपलोड। तो बेसिकली तुम पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो ऐप ऑन करने के बाद और ऑफ करने के बाद, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहे हो और अपलोड पे क्लिक करके वो पूरे फोन का रिकॉर्डिंग बेसिकली वो जाता है डायरेक्ट जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर से उनके पास, जैसे PMGC में उनके पास जाता था तो लोग पूरा देखते। और जो मैच में वीडियो नहीं आई, जो मैच की वीडियो नहीं आई वो मैच में 0.0, तो एटलीस्ट ये तो कर सकते हो, एक ऐप ही तो चाहिए। इतना ही नहीं, गॉडलाइक के एडमिन इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह प्राइम वाले गॉडलाइक को मार रही थी, आप देखिए वो क्या बोली। थोड़ा क्या बीटी हुआ वैसे मजाक के अलावा? हमारा हुआ ऐसा कि छह मैच हमारा एक या दो बंदा हैकर से मिला। तुम्हारे इसमें कौन कौन सी प्राइम वगैरह तुम्हारे ग्रुप में थी क्या? हाँ, ले पहले मैच में जेली मरा प्राइम से, दूसरे मैच में जॉनी मरा और तीसरे मैच में कौन मरा, तीसरे में भी जॉनी मरा और जेली मरा प्राइम से, फिर मैं सिम मरा प्राइम से, पांचवे में सभी मरे प्राइम से, छठवे में सब मर गए थे डार से। सो गाइस, हम बात करते हैं मावी के बारे में। तो आपको पता होगा BGS राउंड 4 में सोल गॉडल जैसी टीम भी बाहर हो गई और कुछ लोगों का कहना भी था कि राउंड 4 बहुत टफ लॉबी थी, इसके बाद भी जीए का डोमिनेशन हमें देखने को मिला। फिर इस पर मावी क्या बोलते हैं देखो आप। देखो आगे जो होना है किसी को नहीं पता, ये कैमरा थोड़ा ओपन कर देता है, ओपन वो कट कर देता हूँ, कट नहीं करूँगा अच्छा लगेगा। तो गाइस देखो, पहले एक चीज हम लोग एग्री करते हैं, देखो जो सबके साथ होता है वो हमारे साथ भी हो सकता है, देखो आगे जाके भी बुरा हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी हो सकता है, बट फॉर नाउ ले मोदिया तेरी टफ लॉबी पे ऐसा ठोक के तुम्हारा मतलब हो सकता है अपने साथ आगे जाके बुरा हो जाए, बट अभी के लिए लेवल सबके निकलेंगे, लेवल सबके निकलेंगे, निकलेंगे उसी के तो यहाँ खड़ा रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस है उसमें मत बोलना, हम लोग अपनी जीत अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। इसके बाद मावी उन लोगों को रिप्लाई दिए जो लोग पास में बोले थे कि मावी को तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, आप देखिए मावी क्या बोले। डाउट नहीं मिला से यहां तक नियत साफ हो ना और कर्म ठीक ठाक हो तो हो जाता है आदमी का काम, बिना मेहनत थोड़ी मेहनत कम करके भी हो जाता है। सोमराज ने बोला था 2 साल पहले आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अब खुद वाइल्ड कार्ड में है यार, ऐसा नहीं होता है, उसकी जगह मैं भी हो सकता था शायद, हो सकता है क्योंकि इसमें मैं तब गुजर रहा हूँ आज वो गुजर रहे हैं, तो ट्रोल मत करो भी, हाँ बेंटर कर लो, तुम्हारे सबसे बेंटर करना चाहते हो बेंटर करो, बट ट्रोल मत करो, थोड़ा करो। वो बात करते हैं अभी के स्पोर्ट्स के डार्क रियलिटी पर और पहले के स्पोर्ट्स लाइनअप और अभी के लाइनअप में क्या फर्क आ गया, इस पर डायनेमो क्या बोले आप देखो। जो कि भीष्मा के टाइम का स्पोर्ट्स और आज के स्पोर्ट्स हाइड्रा में क्या चेंज हुआ है, बहुत चेंजेस है यार, लाइक ब्रो बहुत चेंजेस है, पहले का स्पोर्ट्स एंड अभी के स्पोर्ट्स में बहुत चेंजेस है। आज के तारीख में स्पोर्ट्स में क्या सीन है, बहुत कुछ ही ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको वो है मतलब डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स को लेके, कुछ करना चाहते हैं लाइक यू नो, उनको पता है कि यार अगर मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ दे रहा हूँ तो यू नो दे हैव टू डू समथिंग। कुछ लोग ऐसे जो स्टार्टिंग में आते हैं एंड देन यू नो थोड़ा सा सीरियस होते हैं एंड देन फिर भटक जाते हैं, आई डोंट नो लाइक क्या सीन, परफॉर्मेंस हो ना हो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं यार। अब सबका ये मेंटालिटी नहीं है बट खैर है, आई मीन
वियर्ड मेंटालिटी है लोगों की बहुत है. मैंने बताया ना आपको लास्ट टाइम लाइक क्वालिफाई हो जाओ एंड देन यू नो लाइक पैसे बढ़ा दो भाई. एक दिन सही कहा था क्वालिफाई तो जिम्बाब्वे की टीम भी हो जाती है बट क्या वर्ल्ड कप जीतती है नहीं ना. सो गाइस क्या क्रॉन्टन मेजी से एंग्री है ऐसा मेजी खुद बोले आप देखो. बिल्कुल भी क्या माहिला देखो इमोशनल कर रहे हो आप. कल को क्रॉन्टन लाइव आएगा वो बोलेगा मेजी गॉड लाइक का नाम बट क्रॉन्टन नाम ही तो नहीं लेता. क्रॉन्टन नाराज है मेरे से कोई बात नहीं. सो गाइस थग स्काउट और कास्बी के बारे में क्या ही बोल देते हैं कि मॉर्टल और कास्बी दोनों साइलेंट ही हो जाते हैं आप देखो. गाइस रुके स्काउट की लुगाई आ गई व्हाट द फक. हाँ, अब आई कैन हियर एवरी लग रहा है. हाँ, केकेआर ऑन टॉप जस्ट मुझे बोला है एक मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है. सबको लग रहा है गाइस आरसीबी से इनक्रेडिबल. थग ने क्या बोला बिफोर मैच स्टार्टेड. थग व्हाट डिड यू से मैच स्टार्ट होने के पहले. आई गेस आई सेड यू वेस्टेड आवर टाइम और समथिंग. आई व्हेन आई वाज नॉट देयर व्हेन आई वाज नॉट देयर कि वी शुड फाइंड काश्वी नॉट फाइंड काश्वी. क्या मावी अपने लाइनअप और ड्रॉप दोनों चेंज करने वाले हैं ऐसा मावी खुद बोले और वो नए ड्रॉप कौन से होने वाली है इस पर मावी क्या बोले आप देखो. हो गया ड्रॉप की चेंजेस हो गए हैं नए ड्रॉप पे नई स्क्वाड्स के साथ नई गन फाइट लेने के लिए वी आर रेडी. क्यों चेंज कर रहे हो पाची. कुछ समय के बाद इंसान और चीजें दोनों चेंज हो जानी चाहिए. नो ड्रॉप रिवील प्लीज वी शुड रिवील गाइस. किसी को फाइट लेनी होगी तो वो आ सकता है हमारे साथ. डाइसी एरेंगा का कल कंफर्म होगा. सैनो का तुम्हें पता है मेरा मरका हमारा कंफर्म्ड है जो हमने चेंज कर दिया है. विकेंडी का भी थोड़ा इतने से रस्ते से डाइसी है. विकेंडी का भी कर ही देता हूं फाइनल. बिहाइंड ऑप्शन हम लोग फ्रंट जो अपना ड्रॉप लेते हैं हमेशा से हमें कैंपल फायदे में मतलब नहीं. हमें फ्रंट ड्रॉप लेते हैं और टेंपल ड्रॉप लेते हैं या तो उन लोगों को वो खाली छोड़ देना चाहिए था. अब उनका मोटिव क्या है कि कैंपल फा भी उनके पास है और उन्हें पैसा धीरे 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 सारा आइलैंड ही चाहिए. फिर वो मेरे को थोड़ा सा खनक किया यार क्योंकि मेरे को भी उसी आइलैंड का एक्सपीरियंस है. मतलब उसी वो आइलैंड ही मैं खेलता था तो अगर मैं वही आइलैंड खेलना छोड़ दूंगा तो फिर ऑब्वियसली मेरा गेम नहीं बनेगा. मुझे नहीं खेलना आएगा लगा आइलैंड से वैसा. तो दैट्स व्हाई मेरे को फोर्सफुली वो चीज़ करनी पड़ती है. टोल बैक ऑफ कर जाती है ऑफिशियल्स में ड्रॉप क्लैश है नहीं ले लेती है फाइट ऐसा नहीं मैंने देखा हमारे साथ ये फाइट ले. बट प्रॉब्लम क्या है ना यार देखो अगर पहले से सिक्योरिटी रहेगी कि फाइट होगी तो हम फाइट के मोड में आएंगे या फिर पहले से सिक्योरिटी होगी कि वो लोग अपना टेंपल फॉर्म में खेलेंगे तो फिर हम आइलैंड फ्रंट खेलेंगे हमें कोई दिक्कत नहीं हम अपना टेंपल खेलेंगे. बट अब दोनों चाहिए तो फिर वो तो मैं नहीं फिर आता तो फिर दोनों फिर ऐसा तो फिर मुझे प्रॉब्लम होती है फिर ऐसा. ड्रॉप रिवील ये है कि मेरा मर में भी है मूव टू हसियांडा. हम लोग मेरा मर में हसियांडा जाने वाले हैं. सो गाइस अब तक के लिए वीडियो में इतना ही. सरकार स्पोर्ट्स न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तब तक के लिए गुड बाय.